भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अरनिया इलाके में ड्रोन दिखाई देने के बाद से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के अलावा अन्य एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसी के बाद आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी के मुताबिक इलाके में सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इलाके में ड्रोन दिखने की घटनाएं हो चुकी हैं। दृष्टा में सुधार के साथ ही श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान संचालन शुरू हो गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि भारतीय विमानपतन प्राधिकरण श्रीनगर के निदेशक कुलदीप सिंह ने बताया है कि दृष्टा बढ़कर 1500 मीटर हो गई है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ाने संचालन शुरू कर दिया गया है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा आज एक बार फिर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है, और इस दौरान जो है ये भी देखने को मिला कि इन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। इनका साफ तौर पर कहना था कि अगर बात की जाए तो पहले ही कोरोना के कारण इनकी पढ़ाई में काफी ज्यादा मुश्किलें देखने को मिल रही हैं, और अब यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा इनका पूरा साल बर्बाद करने की तैयारी कर ली गई है। इन्होंने ये साफ किया कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो ये लोग मजबूरन और उग्र रूप से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भाजपा जमीनी सतह पर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए लगातार ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स को करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते आज एक बार फिर जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित बीजेपी कार्यालय में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम को करवाया गया। इसमें बता दें कि आपको राजौरी पुंछ के कई प्रोमिनेंट लोगों के द्वारा बीजेपी का दामन थाम लिया गया है, और इसमें साफ तौर पर बात की जाए तो इस मौके पर जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना मौजूद थे, और उन्होंने ये साफ किया कि ये साफ है कि भाजपा जमीनी सतह पर ताकतवर हो रही है और आने वाले चुनावों में ये कहीं न कहीं मददगार साबित होगा। डेवलपमेंट कार्यों को तेजी देने के चलते ही एक बार फिर वार्ड नंबर 48 के कॉरपोरेटर श्यामलाल बसन के द्वारा आज क्रिया घाट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर अगर बात की जाए तो इनका ये साफ तौर पर कहना था कि पिछले कई सालों से इन लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पर इस काम को शुरू करवाया जाए, जिसके चलते आज एक बार फिर इस काम को शुरू करवा दिया गया है। इन्होंने साथ ही साथ लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही बाकी हुए रुके हुए काम को भी शुरू करवा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है, जिसके चलते बुधवार को बर्फबारी के बाद सोनमर्ग में फंसे पर्यटकों को पुलिस ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। पूरी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोनमर्ग में 50 से अधिक पर्यटकों को उनकी मौजूदगी की सूचना के मिलने के बाद गांदरबल पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इसके चलते अब पर्यटक सुरक्षित के साथ साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी पहुँचा दिया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर मध्यम बारिश और हिमपात की सूचना दी है। उन्होंने साथ ही बताया है कि अगले 24 घंटों और कल यानी शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। देश में एक दिन बाद फिर कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 14,148 नए मामले सामने आए हैं। देश में साइबर हमलों को रोकने के लिए सरकार इन दिनों खास तैयारी कर रही है। बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि केंद्र ऐसे नियम बनाने जा रही है जिसके तहत साइबर अपराध का शिकार होने वाले संगठनों को सरकार के समक्ष इसका खुलासा करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने एक बड़ी संख्या में अधिकारियों को नियुक्त किया है। समिति ने बुधवार को 43 अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति और समय से पहले स्वदेश वापसी की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन संकट के बीच फंसे भारतीयों को आनन-फानन में निकालने की कोशिश लगातार चल रही है। ताजा जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइट 182 और भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली पहुंच गई है।